लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने सरगुजा पुलिस के द्वारा शहर में बाइक रैली निकाली गई। हेलमेट बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए लोगों को हेलमेट पहन ले और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश इस दौरान दी गई। खास बात यह रही कि लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का पालन कर सकें। खुद जिले के SP भावना गुप्ता इस रैली में शामिल हुई और हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हुए लोगों को सीख दी। घड़ी चौक पहुंची पुलिस की हेलमेट रैली ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले चालकों को फूल देकर सम्मानित किया। वहीं हेलमेट नहीं पहनने वाले कई चालकों को हेलमेट का वितरण किया गया। खुद SP भावना गुप्ता के द्वारा बिना हेलमेट वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर नियमित हेलमेट पहनने की समझाइश देने के साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने की समझाइश भी दी गई। अमूमन देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनकर वाहन चलाने वाले कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसको देखते हुए सरगुजा पुलिस के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। पुलिस के कई कर्मचारी सहित 200 लोग इस जागरूकता रैली में शामिल हुए। जिले के शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरगुजा पुलिस के द्वारा यातायात के नियम का पालन कराने यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आज पुलिस के द्वारा हेलमेट प्राप्त करने वाले वाहन चालकों ने भी अन्य लोगों को जागरूक करने की बात कही। जब पुलिस की तरफ से मुझे हेलमेट प्रदान किया गया है, अब से मैं रेगुलर ही हेलमेट का उपयोग करूंगी, हमेशा हेलमेट पहन के चलूंगी। और सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी टू व्हीलर यूज़ करते हैं वो सारे हेलमेट पहन के ही चले। धन्यवाद। तो कैसे लगा आपको ये मिला, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आगे से कैसे आप इसका पालन करेंगे? जी जरूर। और लोगों को कि जो भी टू व्हीलर यूज़ करते हैं वो हेलमेट पहने, जो फोर व्हीलर यूज़ करते हैं वो सीट बेल्ट लगाएं हमेशा। जब पुलिस द्वारा ये पूरा सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसी तारतम्य में आज हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग शहर के 200 लोगों ने इसमें प्रतिभागी हुए हैं। और ये हम संदेश दे रहे हैं सभी को कि आप दोपहिया वाहन में जब भी चलें आप हेलमेट पहने, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। और आज कुछ लोग जो हमें सड़क पे हेलमेट पहने हुए दिखे हैं उन्हें फूल दे के सम्मानित किया जा रहा है, और साथ ही में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको हेलमेट वितरण भी किया जा रहा है।